डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज PMA रिसोर्स नेटवर्क। बिफोर वी स्टार्ट अवर टूडे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। इन अवर टूडे सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बिफोर स्टार्ट ऑफ this topic we must know about what is algebraic term. Algebraic term is a number, that is minus 6, 5, 7. An algebraic term is a variable, that is x, y, z. An algebraic term is a number with multiply one or more variable, that is 2x, 2xy, 2xy square z. So what is algebraic term? मोस्टली आपने ये चीज़ डिस्कस की होगी, मल्टीप्लाइंग बोथ टर्म, एडिंग बोथ टर्म। तो व्हाट इज़ अ टर्म? टर्म इज़ अ नंबर, दैट इज़ माइनस 6, 5, 7। मीन्स कि आपके पास जो अलजेब्रिक टर्म है वो आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, हम कांस्टेंट नंबर से भी अलजेब्रिक टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस ही माइनस 3। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म। अनदर वन, अलजेब्रिक टर्म इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, एक्स वाई जी मीन्स कि आप अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भी अलजेब्रिक टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, अ नंबर विद मल्टीप्लाई वन और मोर वेरिएबल, दैट इज़ 2x, 2xy, 2xy स्क्वायर जी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, जब आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू वन और मोर वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए तो वो भी आपके पास अलजेब्रिक टर्म को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऐसी और एग्जांपल दे सकते हैं जो आपके पास अलजेब्रिक टर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? व्हेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विदाउट इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी। जब हम मैथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर, ठीक है, तो वो हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म बनती है। लेकिन उसमें एक की पॉइंट है कि विदाउट इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी, कि आपके पास साइन ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर साइन ऑफ इक्वालिटी भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, वो भी आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज 3x स्क्वायर फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म, 2x सेकंड अलजेब्रिक टर्म एंड 5 इज द थर्ड अलजेब्रिक टर्म। प्लस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन विदाउट इक्वालिटी, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वी कैन सी दैट विदाउट इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो 3x स्क्वायर फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म है, 2x सेकंड एंड 5 जो है वो आपके पास थर्ड अलजेब्रिक टर्म है, तो प्लस इस मैथमेटिक ऑपरेशन यूज हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं इसमें इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व नहीं है। सो इट्स मीन के दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Another example is that 3xy plus 1 by x is another example of algebraic expression. 3xy first term है, 1 by x आपके पास second term है। Arithmetic operation जो हमने use किया वो आपके पास addition है, और we can see that इसमें आपके पास equality का sign भी involved नहीं है। So it's mean कि this is an example of algebraic expression. Next, what is algebraic equation when operation of addition and subtraction are applied to algebraic term with sign of equality? We obtain an algebraic equation. ठीक है, जब हम arithmetic operation apply करते हैं algebraic terms के ऊपर, उसमें साइन ऑफ इक्वालिटी भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, वी कैन सी दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन ड्यू टू इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अब इसमें देखें, 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, 2x आपके पास सेकंड टर्म है, 5 आपके पास थर्ड टर्म है, और इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन यूज हुआ है। अब देख सकते हैं इसमें इक्वालिटी का साइन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और जिसमें इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो जाए वो इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू कोई कॉन्स्टेंट, कोई वेरिएबल, मीन्स कि जिसमें इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो जाए वो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, और जिसमें इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व ना हो वो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। 3xy प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 0 इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन बिकॉज ड्यू टू इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी। 3xy फर्स्ट टर्म है, 1 बाई एक्स आपके पास सेकंड टर्म है, तो ये इक्वल्स टू 0 है, इट्स मीन कि इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व है। सो इट्स मीन कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन।
फर्दर एग्जाम्पल्स हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज ड्यू टू विदाउट इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी. अनदर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल सेम है. ठीक है, मीन्स के जो आपके पास अलजेब्रिक टर्म है वो भी सेम है, मैथमेटिक ऑपरेशन भी सेम है. फर्स्ट में इक्वालिटी का साइन नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और सेकंड में जो है तो इक्वालिटी का साइन भी इन्वॉल्व है, सो इट्स मीन कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, अनदर एग्जांपल एक्स के माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल है. और एक्स के माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, इसमें इक्वालिटी भी इन्वॉल्व है, सो इट्स मीन कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन. अनदर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वाई? बिकॉज ड्यू टू विदाउट इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी. अनदर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू फोर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन बिकॉज ड्यू टू इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, वट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन? वेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म विद साइन ऑफ इक्वालिटी वी ऑब्टेन अलजेब्रिक इक्वेशन, एंड विदाउट साइन ऑफ इक्वालिटी वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. ठीक है, अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, यह अकबर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसमें ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन ए नॉट, सो दीज आर द कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द वेरिएबल एंड एन इज द पावर ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, अब वेयर एन इज मस्ट बी पॉजिटिव. पॉलिनोमियल की ये कंडीशन है, जो आपके पास एन है वो आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, ना तो वो नेगेटिव हो और ना ही वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो. ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगी? जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे. फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड सेकेंड थिंग इज दैट द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, जो पावर हो वेरिएबल की वो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो वो नेगेटिव हो ना ही वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो. अब इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल बिकॉज फर्स्ट कंडीशन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. यस, अब सेकंड कंडीशन इज दैट थ्री एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर. ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, एक्स वेरिएबल है पावर प्लस थ्री है, सेकंड टर्म में भी एक्स वेरिएबल है पावर प्लस टू है, थर्ड टर्म में प्लस वन है, सो इट्स मीन कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. अनदर एग्जांपल इज दैट नाइन एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस सेवन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल. वाई? स्टैंडर्ड फॉर्म भी है. अगर सेकंड कंडीशन देखें तो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है एक्स है तो पावर प्लस थ्री है, सेकंड टर्म में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स है और वाई है. एक्स के ऊपर जो पावर है वो आपके पास टू है, वाई के ऊपर जो पावर है वो आपके पास थ्री है, सो इट्स मीन कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. Another example is that 2x for y cube plus x square y square plus 8x. This is an example of polynomial because आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी है. सेकेंड कंडीशन क्या, आपके पास फर्स्ट टर्म में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और फर्स्ट के ऊपर पावर 4 है और प्लस 4 है, सेकेंड के ऊपर पावर प्लस 3 है. अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो फर्स्ट जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, सेकंड जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर प्लस 2 है, फर्स्ट के ऊपर पावर प्लस 2 है. अगर थर्ड टर्म की बात करेंगे तो पावर आपके पास क्या है? प्लस 1. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जस्टिफाई द फॉलोइंग एज अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल. कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल है और कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है. अगर हम फर्स्ट की बात करें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फाइव, दिस इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म, दिस स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल एक्स है तो उसकी पावर प्लस टू है, सेकंड टर्म में वेरिएबल एक्स है उसकी पावर प्लस वन है, सो इट्स मीन कि कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो आपके पास नेगेटिव या फ्रैक्शन की फॉर्म है, सो इट्स मीन कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल. सेकेंड पार्ट देखें तो एक्स क्यू प्लस क्यू रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, दिस इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है. अगर फर्स्ट वेरिएबल देखें, एक्स की ऊपर पावर प्लस थ्री है, स्क्वायर रूट ऑफ टू, देखें आपके पास टू की पावर वन बाई टू है, तो कॉन्स्टेंट के ऊपर पावर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म हो या नेगेटिव हो तो इसका पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, पॉलिनोमियल में हम जस्ट ये चीज़ देखते हैं तो
पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, जो वेरिएबल की पावर है वो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x की पावर प्लस 2 है, 5x की पावर प्लस 1 है, सो इट्स मीन कि दिस इज अ पॉलीनोमियल। अनदर वन, x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो पावर प्लस 2 है, सेकेंड टर्म में देखें तो आपके पास पावर x की पावर 1 बाई 2 है, तो मीन्स कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो ये डेफिनेशन है पॉलीनोमियल की, कि आपके पास जो वेरिएबल की पावर है वो ना तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो ना ही नेगेटिव हो। सो बिकॉज ड्यू टू कि आपके पास जिसमें पावर है वेरिएबल की वो आपका 1/2 है, मीन्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में, सो दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। अगर लास्ट एग्जांपल देखें, 3x² + 2x + 8 / 3x + 4, दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल, क्योंकि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है। सो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल, येस और नॉट, ठीक है। जो आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, जस्ट आपने ये चीज़ बतानी है कि क्या ये पॉलीनोमियल है या नहीं है। अगर फर्स्ट एग्जांपल देखें, 3x² + 1x - 5, दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो पावर प्लस 2 है, सेकेंड टर्म में देखें तो डिनोमिनेटर में x है, जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, -1, सो इट्स मीन कि पावर का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सो दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, 3x³ - 4x² - x * √x + 3, दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन फर्स्ट टर्म की पावर प्लस 3, सेकंड टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, प्लस 2 है, -x² √x, तो √x की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, क्यूब रूट होगा तो 1/3, इसका मतलब है x की पावर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x मीन्स कि x की पावर 1/2, ये नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, तो इट्स मीन कि जो पावर है वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है वेरिएबल के ऊपर, सो इट्स मीन कि दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, x² - 3x + √2, येस दिस इज अ पॉलीनोमियल, तो जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो तो आपके पास पॉजिटिव है, ना तो वो फ्रैक्शन है और ना ही आपके पास नेगेटिव है। जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो कांस्टेंट के ऊपर पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या नेगेटिव हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो कांस्टेंट के ऊपर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसका रिलेशन कोई भी पॉलीनोमियल की डेफिनेशन से नहीं है। जब हम पॉलीनोमियल की बात करते हैं तो जस्ट हम वेरिएबल के ऊपर पावर देखते हैं कि वो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो वो नेगेटिव हो ना ही वो फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो इट्स मीन जो पार्ट नंबर 3 है, ये भी आपके पास एक पॉलीनोमियल है। अगर पार्ट नंबर 4 की बात करें, 3x / 2x - 1 + 8, दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल, क्योंकि ये तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है, सो इट्स मीन कि दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। आई होप कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अल्जेब्रिक इक्वेशन को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने अल्जेब्रिक टर्म को भी डिस्कस किया है, उसके बाद हमने पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।